नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूँ पूनम शर्मा। आज बात करेंगे उस राहत की बूंद की, जब वो बरसी तो राहत नहीं आफत बरसी। उसका इंतजार तो देश का हर वो इलाका कर रहा था जो सूखे की मार झेल रहा था। उस सूखे ने आम आदमी से लेकर सियासत तक हर किसी को हिलाकर रख दिया था और हर बार की तरह इस बार भी वो इलाका सूखे से उबरने की बजाय चुनावी मुद्दा बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुदरत की मार ने उन इलाकों को ऐसा भिगोया कि राहत नहीं आफत की नदियां बह उठी। क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र और क्या उत्तराखंड, बस हर जगह त्राहि त्राहि नजर आई। ऐसा नहीं है कि सूखा राजस्थान प्रदेश में नहीं हुआ, सूखे की आंधी यहां भी आई और अब धीरे धीरे मानसून अपने रंग दिखाने शुरू कर रहा है। कई जगह तो बारिश ने अपने रंग दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्य भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिस तरह से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या प्रदेश में इस तरह के हालात बन सकते हैं? क्या इन सबसे निपटने के लिए प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं? इसी पर आज बात होगी कि क्या तैयार हैं हम, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन कीजिए और अपने इलाके का हाल बताइए। तैयार है हम अगर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए तो कैसे हैं प्रशासन के इंतजाम? आखिर किस तरीके से निपटने की तैयारी यहां पर कर ली गई है? सबसे पहले बात हम करेंगे प्रदेश के झालावाड़ जिले की। तो प्रशासन के इंतजाम यहां पर कैसे हैं? आप अपने इलाके का हाल हमें फोन करके बता सकते हैं। लेकिन सिलसिलेवार प्रदेश के उन जिलों की तस्वीर दिखाना हम शुरू करते हैं जहां कुदरत की मार का असर दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के झालावाड़ जिले की। तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं जहां लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर है, निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है, कई कच्चे मकान यहाँ धस गए हैं, तो सड़कें टूट गई है। दरअसल मध्य प्रदेश से लगातार पानी की आवक से जिले में बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। डैम के कई गेट खोलने पड़ गए हैं। आज भी भीम सागर कालीसिंह डैम के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई, जिससे खेतों में पानी भर गया और कई मवेशी भी डूबने की वजह से उसमें भर गए, तो बहते हुए मवेशी चले गए, उनकी मौत हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नदियां जो है वो उफान पर पहुंच गई है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसका असर अब प्रदेश के झालावाड़ जिले में भी नजर आना शुरू हो गया है। तो ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है कि प्रशासन के इंतजाम यहाँ पर कैसे थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर इस तरीके के हालात बन रहे हैं। तो ये झालावाड़ की स्थिति और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे संवाददाता आरिफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आरिफ, फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ की? झालावाड़ में आज सवेरे से ही बहुत तेज बारिश हो रही है। सारे 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण सारे नदी नाले में उफान है। बांध के आज भी सवेरे 2 गेट खोले गए थे, अभी शाम को फिर 1 डैम का 1 गेट खोला, पानी की निकासी की गई है। लगातार सारी नदियों में आवक बनी हुई है और दोपहर 3 बजे से अभी तक लगातार तेज बारिश हो रही है, इससे सारे रास्ते जाम हो गए हैं और जिले कई सड़कें टूट गई है, इससे लोगों का आवागमन बाधित हो चुका है। तो पूरे तरीके से रास्तों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां के स्थानीय ग्रामीणों का या जो लोग हैं वहां पर रहते, ये दूसरे लोग जो जिनको आने जाने में समस्या फिलहाल हो रही है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि हर साल इस तरीके की स्थिति होती है फिर भी तैयारी नहीं की गई, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? पूनम, लगातार ये आज की बात नहीं बल्कि कई वर्षों से यही हाल होता है, प्रशासन अभी तक इस मामले में कोई खास ध्यान देता नहीं है। लगातार जैसे पहली बारिश होती है नदी नाले में उफान हो जाता है या तेज बारिश होने में रास्ते जाम हो जाते हैं, ग्रामीण के गाँव का संपर्क कट जाता है, जिला मुख्यालय का संपर्क कट जाता है, ग्रामीण टापू बन जाता है, कई गाँव लोग फंसे रहते हैं। आज भी कई झालावाड़ जिले में लगभग 4 लोग पानी की चपेट में है कि 2 लापता है, 2 की मौत हो चुकी है। चलो वो बिजली आपका की बिजली से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। चलो कई कम से कम आज शाम को 7 बजे तक की हमारे पास सूचना है, लगभग 250 लोग जैसे जिले में अलग अलग स्थानों पर जाम में फंसे हुए हैं या कई पानी के कारण नदी किनारे बैठे हुए हैं। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या आप कुछ निपटने की तैयारी है इस आफत से या फिर ऐसे ही बरकरार रहेगी ये मुसीबत?
पूनम लगातार ये आफत की बारिश जो लगातार हो रही है, प्रशासन अभी तक इस मामले में कोई खास कदम उठा नहीं पा रहा है। जगह जगह की टीम बनाकर रवाना कर दी है, मगर टीम भी इस बार बैठ रही है और सामने आगे फसरे पे है। नदी के पार्ट टूट गए हैं, जो सहायता करने वाला कोई नहीं, ग्रामीण ही ग्रामीण की सहायता कर लोगों को बचा रहा है, या यूं कहें लोगों का सिर्फ भगवान पर आसरा है, प्रशासन पर नहीं। चलिए शुक्रिया आरिफ, तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तो देख सकते हैं प्रशासन ने कोई इंतजाम झालावाड़ में तो नहीं किए, हर साल ऐसी स्थिति बन रही है, लंबे समय से इस तरीके की स्थिति हर साल होती है, लेकिन इंतजाम कैसे हैं? जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिया जो है वो टूट चुकी है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है, लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है, कुछ समय की दूरी भी बड़ी लंबी उनके लिए बनती जा रही है, या फिर ये कहें कि कुछ स्थानीय लोग जो है वो अपने घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही वो घरों के गेट खोलते हैं तो सिर्फ पानी और पानी ही नजर आता है। चलिए अब जरा अलवर जिले की भी बात कर लेते हैं। यहां पर हो रही लगातार बारिश के चलते अलवर के आसपास के गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गांवों की सड़कों से ग्रामीणों का निकलना दूभर हो गया है। बारिश से ग्रामीणों के घरों में पानी तक घुस गया, जिससे लोगों को खाने का राशन और सामान पूरी तरीके से भीग गया है। सड़कों पर खचाखच पानी भरा होने के चलते गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए संपर्क टूट गया है। ग्रामीण सड़कों पर खड़ा होकर पानी कम होने के इंतजार करते हुए नजर आ जाते हैं। ग्रामीणों के खेतों में खड़ी फसल में भी पानी भर चुका है, जिससे फसल खराब हो गई है। अलवर के तुलेड़ा अगर गांव की बात करें तो वहां पर पानी के निकासी के लिए एक बड़ा नाला बना हुआ है, जो बारिश होने के चलते टूट गया, जिससे सड़कों पर नाले का पानी भी अब आ गया है। यानी जो इंतजाम यहाँ पर किए गए थे वही मुसीबत बन गई है। वो नाला टूट चुका है, सड़कों पर उसका पानी आ गया है और अब जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से दरिया बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा है और लोग जो है वो बड़े परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय निवासी का, अलवर जिले से हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राजेंद्र, फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, जिस तरीके के जो बारिश हुई है अलवर जिले के जो सरिस्का जो इलाका है, अलवर के लगता हुआ जो एरिया थाना गाजी है, सरिस्का का जो एरिया है उसमें 140 mm बारिश हुई है, जबकि थाना गाजी का जो एरिया है उस पर 71 mm हुई है। अलवर शहर में 50 से 60 mm के बीच बारिश हुई है। इस तरीके की जो बारिश हुई है उसको लेकर के चारों ओर पानी होने के कारण ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना है। वहीं अलवर शहर का जो पानी है वो जो तुलेड़ा के ओर जो नाला जाता है उसमें बहने की वजह से वहाँ के ग्रामीणों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं क्या अब कोई इंतजाम प्रशासन द्वारा करवाए जा रहे हैं? आखिर इस पानी की निकासी दूसरी जगह कैसे होगी? आखिर कब जो सड़कें जो कि दरिया बन चुकी हैं वो वापस वहां पर सड़कें कब नजर आएंगी? किस तरीके के इंतजाम करने की बात प्रशासन कह रहा है राजेंद्र? जी, इस मामले में जिला कलेक्टर से बात हुई है। जिला कलेक्टर के द्वारा जो जिधर बारिश ज्यादा हुई है उन गांवों में ग्राम सेवक और पटवारी को गांव का में ही रहने के, पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर नहीं जाने के लिए ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर रहने का आदेश जारी किए हुए हैं। वहीं जो अलवर से लगता हुआ एरिया है वहाँ मॉनिटरिंग के लिए अलवर के नगर परिषद के आसपास के जो अधिकारी हैं उनको शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो SDM अलवर को प्रभारी नियुक्त किया गया है कि वो इस तरीके की मॉनिटरिंग रखें कि कहीं अगर बारिश ज्यादा होती है तो किस तरीके से, अगर गाँव में पानी घुसता है और कोई परेशानी होती है तो राहत और बचाव के लिए इंतजाम के लिए कड़े जो इंतजाम है वो किए जाए। जिला कलेक्टर की ओर से एक मीटिंग ली गई है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है इस मामले में। चलिए शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से वहां की सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, जिस पर लोग साइकिल चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दरअसल ये दरिया बन चुकी है। किस तरीके से यहाँ पर सड़कों के हालात जो हैं वो खुद ब खुद बयां कर रहे हैं, किस तरीके के हालात अब बन चुके हैं। प्रशासन ने कोई इंतजाम यहाँ नहीं किए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो एक नाला बनाया गया था जो कि बारिश के पानी जो था वहां पर जाता था, लेकिन अब वो भी टूट चुका है, जिससे उसका पानी भी सड़कों पर आ गया है। तो प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद से सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार की आपदा निपटने के लिए तैयार होती हुई नजर नहीं आ रही है।
प्रशासन किसी भी प्रकार की आपदा निपटने के लिए लाख दावे जरूर कर रहा है, तो वहीं कोटा नगर निगम के उस वक्त गोताखोर बिना संसाधनों के निहत्ते चंबल और बड़े तालाबों में अपनी जान जोखिम में डालकर किसी को बचाने का काम भी करते हैं। एक महीने से ज्यादा वक्त लाखों की कीमत के स्कूबा डाइविंग सूट को खरीदे अग्निशमन अनुभाग का हो चुका है, लेकिन गोताखोर अभी खुद को डुबोकर दूसरों को बचाने की जुगत में लगे हैं। यह हालात उस वक्त के हैं जब मिनटों के बाद खरीदे गए उपकरण भी गोताखोरों को नहीं दिए जा रहे। ये गोताखोर हर रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं, किसी को डूबते हुए बचाते हैं और पानी में मिलने वाले शवों को भी बाहर निकालते हैं। लेकिन अब जब बारिश के बाद भयावह और तस्वीर हो जाएगी, तब कैसे इस पूरी स्थिति को संभाला जाएगा? आखिर गोताखोरों को वो उपकरण क्यों नहीं दिए जा रहे, ये सवाल भी यहां पर खड़ा होता है। चलिए कोटा का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता शाकिर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शाकिर, यहां पर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कुछ कहता है, वजह क्या है? जी देखिए, जिस तरह से प्रदेश के दूसरे जिलों का हाल है, कमोबेश कोटा का हाल भी वही है। और संसाधनों की जहां तक बात है कि संसाधनों की जो कमी है वो साफ तौर पर पिछले काफी टाइम से जो है यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कोटा में वैसे भी आए दिन बारिश के अलावा भी, क्योंकि नहरी तंत्र कोटा में है, ऐसे में कई सारी डूबने की वारदातें यहाँ पर होती है, डूबने की घटनाएं यहाँ पर होती है। तो अब जो बेड़ा है बचाव दल का, उसके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। इस बार भी जो है लगातार जो कि बारिश का दौर आ गया है, क्योंकि कोटा का जो इलाका है, आसपास का बड़ौती का इलाका है, वहां पर जो छोटी नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर आ जाती है दो चार घंटे की बारिश में ही। और जब इस तरह का रेस्क्यू करने की स्थिति बनती है, तब कहीं ना कहीं नगर निगम की जो व्यवस्था है, जो संसाधनों की जो बात है, उसकी पोल खुल जाती है। इस बार भी स्थिति वो की वही है, यहाँ पर कोई संसाधन जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल यहाँ पर बचाव दल के पास नहीं है। यहाँ पर उपकरण या संसाधन की हम बात करें, वो है नहीं या फिर दिए नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ मामला ऐसा भी सामने आया है कि गोताखोरों को वो उपकरण या संसाधन मुहैया करवाए ही नहीं जाते और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन डूबे हुए लोगों को या फिर जो शव तैर कर आ जाते हैं उनको बचाते हैं। जी देखिए, क्योंकि यहाँ पर काफी दिनों से स्कूबा ड्राइवर जो है, जिसकी मांग की जा रही थी लंबे समय से, यहाँ के जो तैराक हैं, गोताखोर हैं, जो कर रहे थे नगर निगम के, वो और उसके अलावा कुछ जो आधुनिक सामान है वो जरूर यहाँ पर आया है, लेकिन अभी तक जो है सरकारी कार्रवाई के चलते वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, यानी वो उन कर्मचारियों के हाथ में अब तक नहीं आया है जो रोज मौत से दो दो हाथ करते हैं, गहरे पानी में कूदते हैं, उसके लिए जो अभी तक कागजी कार्रवाई हुई है यानी वो अब तक पूरी नहीं हुई। बिल्कुल पूरे तरीके से कागजी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। वहीं इलाके के अगर हाल जाने तो फिलहाल कैसी स्थिति वहाँ की है? अगर भारी बारिश वहाँ पर आ जाती है तो प्रशासन ने किस तरीके के इंतजाम वहाँ पर कर रखे हैं? स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बारिश की जहाँ तक बात है, जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है दो तीन चार घंटे के बाद में, जो कोटा शहर के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो भर जाता है, क्योंकि नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। जो बारिश का पानी जो है वो नालों में जाने के बाद बस्तियों में बढ़ जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास का जो इलाका है, पार्वती, परवन और इसके अलावा कई सारी जो छोटी नदियां हैं उनमें उफान कई बार देखने को मिलता है। तो पुलियाओं की जहां तक बात थी कि पुलियाएं बनाए जा करके पानी को डिवाइड कर दिया जाएगा, उस तरह के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। रास्ते जाम हो रहे हैं कई जगहों पर, जो है घंटों जो है बाढ़ का पानी, बारिश का पानी आ जाने से यातायात बाधित हो रहा है। कोटा शहर में तो इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन जो कोटा का ग्रामीण इलाका है वहाँ पर जो है यातायात भी बाधित लगातार हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अब थोड़ा जागता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और थोड़ी नजर उस गांवों में या उस इलाके में भी डालेगा जहां पर इस तरीके के हालात बन रहे हैं, और ज्यादा स्थिति भयावह ना हो इसलिए वो कदम जरूर उठाएगा, ये उम्मीद हम यहाँ पर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी देने के लिए। तो डूबते को बचाने के लिए संसाधन पूरे नहीं है, नए उपकरण आने के बाद भी गोताखोर निहत्ते यहाँ पर नजर आते हैं, पूरे तरीके से उपकरण उनको मुहैया नहीं करवाए जाते और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, और दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति अगर पैदा हो जाए तो कुछ इलाकों में उसके मुकम्मल इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। और दूसरे जिलों और कई इलाकों की कैसी स्थिति है, अगर वहां पर भयावह स्थिति बाढ़ के वजह से बन जाती है तो कैसे इंतजाम वहां पर प्रशासन ने किए हैं, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।